नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेजों के बारे में। बिहार के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। कोरोना महामारी ने यह बता दिया कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है और हमें इस ओर और कितना ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से लोगों कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलना, ऑक्सीजन के लिए लंबे समय तक लाइन लगना, अगर समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो कई मरीजों की जान भी चली गई। ऐसे में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था यह बताता है कि हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी फिलहाल कितना काम करना है। बात बिहार की हो तो या फिर पूरे देश की, सभी जगह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम ऐसे भी सोचे कि अगर देश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर इतना ही अच्छी होती तो फिर प्राइवेट में इतने अस्पताल क्यों बनते। खैर, हमारी सरकारों को इस ओर सोचने की जरूरत है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किस तरह से बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे में अब बिहार सरकार आने वाले 2 साल में 7 और मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलने की बात कह रही है। आपको बता दें कि बिहार में अगले 2 साल में 7 और मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अपनी सेवा लोगों को देने लगेगा। इसमें 1 पूर्णिया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पूर्णिया सदर अस्पताल के तमाम उपकरणों और कर्मियों का समायोजन भी इस नए मेडिकल कॉलेज में करने की अनुमति दे दी गई है। यहाँ शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में 100 नामांकन होंगे। MBBS की पढ़ाई शुरू करने की भी तैयारी शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य संरचना को मजबूती देना सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 7 नए मेडिकल कॉलेज बनने से राज्य में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बेडों की संख्या 3,500 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही बिहार में MBBS करने वाले छात्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। बिहार के बच्चों को भी इसमें बहुत मौका मिलेगा। अस्पताल निर्माण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया, सासाराम, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी और सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7 मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण में करीब 3,465.12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की माने तो पूर्णिया के अलावा सारण जिले के छपरा में 500 बेड, समस्तीपुर के सरायगंज में 500 बेड वाला अस्पताल, श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। इधर मधुबनी के झंझारपुर और सीतामढ़ी में भी 500 बेड के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद वैशाली जिले के महुआ में तथा सिवान के मैरवा में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का शिलान्यास किया जा चुका है। इन अस्पतालों के बारे में बताया जा रहा है कि ये अस्पताल 2022 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। इन सभी अस्पतालों के अलावा मुजफ्फरपुर में एक कैंसर अस्पताल खोलने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के स्थापना के लिए 199.15 करोड़ की स्वीकृति दे दी है और इस साल इसको लेकर निविदा आमंत्रित भी कर दिया गया है। अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग तैयार हो चुका है। वहीं अगर हम अस्पतालों की स्थिति को अगर हम बात करें कि कहां और कितने अस्पताल होंगे तो सारण जिले में जो अस्पताल खुलेगा उसमें 500 बेड होंगे और यहाँ पे जो है 376.27 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बनेगा। समस्तीपुर में जो अस्पताल बनना है वो 500 बेड का होगा और यहाँ पे जो है 591.77 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बनेगा। अगर मधुबनी की बात करें तो यहाँ भी 500 बेड का अस्पताल बनेगा और 515 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ अस्पताल बन रहा है। वैशाली की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 500 बेड का अस्पताल होगा और 526.40 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह अस्पताल बनाया जाएगा। सिवान के मैरवा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ 500 बेड का अस्पताल यहाँ भी बन रहा है और 568 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह अस्पताल बनाया जा रहा है। सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ 500 बेड का अस्पताल होगा और यह इसकी लागत जो होगी 514 करोड़ रुपए होगी। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो यहाँ भी 500 बेड का अस्पताल होगा और 346.28 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ अस्पताल बन रहा है। इन अस्पतालों के निर्माण के अलावा भी हमें अपनी पुरानी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बार फिर से मजबूत करने की जरूरत है। हमारे पास पहले से ही मौजूद स्वास्थ्य अस्पताल जो कि जैसे कि गांव-गांव में जाकर इलाज करते थे, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसे एक बार फिर से मजबूत करने की जरूरत है ताकि कोरोना जैसी महामारी में हम आसानी से जीत सकें। तो ये थे बिहार में अस्पतालों के लेकर स्थिति। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।